Hi guys, good morning everyone. Let's talk about some news about UGC NET. So UGC jo hai, University Grants Commission, it has come out with a new norm which is in line with the National Education Policy 2020. So 2020 mein ek new education policy ya national education policy aayi thi jisne bola tha ki agar India mein India ki education ko ke standards ko badhana hai to foreign universities jaise ki Oxford, Harvard, Cambridge, स्टैनफर्ड इन सबको इंडिया में अपने कैंपस सेट करने की परमिशन देनी होगी सो दैट बेटर स्टैंडर्ड्स बेटर रिसर्च अपॉर्चुनिटीज बेटर एम्प्लॉयमेंट ये सारी चीज़ें इंडिया में आ सके दैट टाइम हैज़ फाइनली कम क्योंकि यूजीसी ने अभी अलाउ कर दिया है दैट फॉरेन यूनिवर्सिटीज कैन नाउ सेटअप कैंपस इन इंडिया फीस भी अपनी खुद डिसाइड कर सकते हैं एंड दे कैन ऑल्सो रिपैट्रिएट फंड्स अब रिपैट्रिएट फंड्स का मतलब क्या होता है कि जो भी उन्होंने यहाँ पे पैसा कमाया जो भी प्रॉफिट क्रिएट हुआ They can transfer those revenues as well as those profits abroad to their home country. ये अगर allow नहीं होता था तो these universities did not want to set up in India क्योंकि उनको लगता था इतना expenditure करेंगे 1,000 crore, 2,000 crore का campus setup करेंगे और उसके बाद जो भी profit होगा वो हमें यहीं invest करना होगा we will not be able to use that profit well. अभी UGC ने along with the government दोनों ने मिलके ये decide किया इनको रिपैट्रिएशन अलाउड करना पड़ेगा या करना चाहिए इसके फायदे आपको क्या क्या हो सकते हैं एज अ स्टूडेंट एंड एज अ टीचर दोनों में आपको बता देता हूँ सबसे पहले बिकॉज मेजोरिटी ऑफ यू मस्ट बी प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट एग्जाम तो आप सोच रहे होगे हाउ इज इट एज अ करियर ऑप्शन क्या मुझे जॉब मिलेगी आफ्टर क्लियरिंग इवन JRF क्या मैं PhD कर पाऊंगा या कर पाऊंगी वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे आंसर हो जाते हैं बिकॉज इफ दीज कैंपसेज इफ दीज यूनिवर्सिटी सेटअप देयर कैंपसेज इन इंडिया तो कहीं ना कहीं आपको रिसर्च अपॉर्चुनिटी मिलेगी ही मिलेगी बिकॉज दीज यूनिवर्सिटीज आर वेल नोन फॉर देयर रिसर्च स्पेशली और रैंकिंग जो होती है वो रिसर्च के बेसिस पे काफ़ी डिटरमाइन होती है सेकेंडली जब ये लोग ये कंपनीज या फिर ये यूनिवर्सिटीज यहाँ पे सेटअप करेंगी तो उनको बहुत सारे लेक्चरर्स बहुत सारे प्रोफेसर्स चाहिए होंगे अ लॉट ऑफ प्रोफेसर्स विल ऑल्सो कम फ्रॉम आउटसाइड सो इट्स ऑल्सो गुड अपॉर्चुनिटी For new people, for young people to work under these experienced professors, जिसकी opportunity आपको मिलेगी ही मिलेगी This will also create employment for a lot of UGC NET aspirants जो clear कर चुके हैं या clear करने वाले हैं इस exam को because that is the minimum criteria to teach. India में ये campus setup होगा तो India के laws तो follow करने पड़ेंगे जहाँ पे सीधा सीधा बोला गया है कि आपको यूजीसी नेट तो क्लियर करना ज़रूरी है उसके बिना आप नहीं पढ़ा सकते इन एनी कॉलेज तो ये बहुत मेजर एडवांटेज आपको मिलने वाला है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी रिसर्च अपॉर्चुनिटी PhD इज द नंबर थर्ड एडवांटेज PhD में अभी बहुत कम सीट्स होती हैं दैट इज़ अ मेजर कंसर्न ऑफ अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स कि PhD नहीं करेंगे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाना मुश्किल हो जाएगा परमानेंसी नहीं मिलेगी द सीट्स विल इंक्रीज बिकॉज दीज कैंपसेज दीज यूनिवर्सिटीज आर ह्यूज ह्यूमंगस लेवल पे ये लोग काम करते हैं तो इसके लिए सीट्स भी ज़्यादा मिलती हैं ऐसा नहीं कि 4-5 सीट्स होंगी PhD की दे विल हैव मोर सीट्स 20, 30, 50, 100 के आसपास इतनी सीट्स हो सकती हैं बिकॉज दे आर वेरी वेल नोन फॉर देयर रिसर्च तो ये सारे एडवांटेज आपको एज अ टीचर एज अ लेक्चरर एज अ प्रोफेसर मिलेंगे ही मिलेंगे द फ्यूचर इज वेरी ब्राइट व्हेन इट कम्स टू एजुकेशन इन इंडिया बोथ स्टार्टिंग एज वेल एज टीचिंग अब आते हैं दूसरी तरफ एज अ स्टूडेंट व्हाट डू यू फील या फिर क्या फ़ायदे होंगे क्या नुकसान होंगे सबसे बड़ा फायदा मेरे को लगता है कि हायर एजुकेशन में यू विल हैव मोर अपॉर्चुनिटी सो इफ यू आर अ स्टूडेंट प्रेजेंटली डूइंग एनी अंडरग्रेड कोर्स या फिर 12th में हो या और छोटे हो अभी दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू या फिर ये होगी आगे अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी आपके लिए टू गेट बेटर एजुकेशन एट अ चीपर रेट सस्ती एजुकेशन आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है यू डोंट हैव टू गो टू द US और UK और यूरोप टू गेट दैट काइंड ऑफ एजुकेशन दैट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इवन दैट ब्रांड नेम तो ब्रांड नेम जो होता है यूनिवर्सिटी का वो भी आपके साथ रहेगा अलॉन्ग विद दैट द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दैट दे ऑफर दैट विल ऑल्सो कम टू इंडिया ओनली ये लोग ये यूनिवर्सिटीज इंडिया में आएंगे ही आएंगे उसकी गारंटी क्या है उसकी गारंटी ये है नंबर वन इंडिया इज द बिगेस्ट मार्केट विद द मोस्ट यंग पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड राइट नाउ नंबर वन सेकेंडली डेवलपिंग मार्केट पॉलिटिकली वेरी सेफ एंड स्टेबल मार्केट तो इसलिए यूनिवर्सिटीज यहाँ पे आना चाहेंगे एंड नंबर थ्री US, यूरोप जैसी कंट्रीज में जैसे देशों में अभी रिसेशन सेट इन होने लगा है एंड नेक्स्ट 4-5 ईयर्स आर गोइंग टू बी नॉट वेरी फ्रूटफुल नॉट वेरी
गुड फॉर दीज यूनिवर्सिटीज ऑल्सो, तो इसीलिए वो नई अपॉर्चुनिटीज के लिए इंडिया की तरफ जरूर देखेंगे. तो आई वुड से दैट इट्स अ गुड न्यूज फॉर बोथ यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स हु आर थिंकिंग ऑफ राइटिंग द एग्जाम एज वेल एज यूजीसी नेट क्लियर स्टूडेंट्स, जिन लोगों ने क्लियर कर दिया है उनके लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, जो रिसर्च करना चाहते हैं उनके लिए भी. एंड स्टूडेंट्स हु आर प्रेजेंटली इन देयर अंडरग्रेड कोर्सेज और इन देयर 12 स्कूल्स, जो कि बाद में हायर एजुकेशन की तरफ देख रहे हैं. दिस वॉज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन, जिसमें मैं आपको ये अच्छी न्यूज बताना चाह रहा था. बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं कि सर आपकी बुक्स और आपके कोर्स के बारे में थोड़ा बता दीजिए. तो मैं बुक्स के बारे में आज बता देता हूँ. देयर आर टोटल ऑफ 4 बुक्स दैट आर अवेलेबल जब आप कोर्स लेते हो तो इसमें मिलती हैं. ये है पेपर टू कॉमर्स की बुक, पेपर टू मैनेजमेंट की बुक, जिसमें पूरा सिलेबस हमने बहुत ब्रीफ तरीके से कवर किया हुआ है. नाउ इट हेल्प्स यू टू रिवाइज. बहुत ब्रीफली पूरा सिलेबस कवर किया है. दिस हैज बीन मेड बाय शुभम सर स्पेसिफिकली, उन्होंने बहुत टाइम लगा के बनाई है. सिमिलरली ये भी एक कॉन्टेंट बुक है जिसमें पेपर टू कॉमर्स पूरा कवर्ड है. तो ये दो बुक्स आपको मिलती हैं व्हेन यू एनरोल फॉर ईदर यूजीसी नेट कॉमर्स और यूजीसी नेट मैनेजमेंट ऑप्शनल. जो भी ये दोनों ऑप्शनल्स हैं, इनमें से जो भी आप लोगे उसके लिए आप यूज कर सकते हो. द थर्ड बुक, ये अभी पैक्ड है, अभी मुझे खोलनी पड़ेगी. दिस इज फॉर MCQs. अब इसमें स्पेशलिटी या फिर डिफ्रेंसिएशन क्या किया है हमने, कि हमने assertion reasoning के MCQs भी अलग से डाले हैं, बिकॉज दैट इज वॉट NTA इज आस्किंग nowadays. बहुत सारे लोग ये नहीं कर रहे हैं बिकॉज बहुत टाइम कंज्यूमिंग और बहुत मुश्किल काम है, बट इसमें ये शुभम सर ने करके दिखाया है. इसमें 2000 से ज़्यादा MCQs हैं नंबर वन, प्लस assertion reasoning के अलग से भी MCQs डाले हैं. सो दैट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट. और जो फोर्थ है वो है पेपर वन की बुक. इसमें खाली कंटेंट नहीं है, इसमें क्वेश्चंस भी हैं. हर एक चैप्टर के बाद मैंने क्वेश्चंस डाले हैं जिससे कि आप प्रैक्टिस भी कर पाओ. तो इस तरह से लेवल में डिवाइड किया है. इजी लेवल के जैसे यहाँ पर कुछ 30 क्वेश्चंस हैं, फिर उनके आंसर्स हैं, फिर मॉडरेट हैं, फिर डिफिकल्ट हैं. तो इस तरह से क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशंस प्लस लेवल में डिवाइड करके बताया है आफ्टर एवरी चैप्टर. ठीक है ना, तो चैप्टर वाइज पेपर वन को हमने डिवाइड करके फिर उसके हर चैप्टर के एंड में क्वेश्चंस दिए हैं. तो ये 4 बुक्स हैं जो कि आपको मिलती हैं व्हेन यू एनरोल फॉर एनी ऑफ माय कोर्सेज. कोर्स के लिए anujjindal.in वेबसाइट पे जा सकते हो, वहाँ पे देख सकते हो जो भी डिटेल्स हैं. कोई डाउट है तो पूछ सकते हो. 9999466225 ये नंबर है, यहाँ पे कॉल करके यू कैन आस्क अबाउट एनी इन्फॉर्मेशन दैट यू नीड रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन. आई सी यू वेरी वेरी सून विद मोर सच वीडियोज, मोर सच न्यूज, मोर सच अपडेट्स, जिससे कि आपको पता लगता रहे कि टीचिंग एज अ प्रोफेशन स्पेशली इन कॉलेजेस कितना लुक्रेटिव है, क्या उसमें नई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, एंड हाउ यू कैन कैप्चर दोज अपॉर्चुनिटीज. ऑल द बेस्ट गाइज, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद.